अस्सलाम वालेकुम सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह पिस्ता हाउस की मशहूर हरीस बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कप गेहूँ लेंगे, इसे पहले धो लेंगे और रात भर के लिए इसे भिगो लेंगे। आप चाहें तो दलिया ले सकते हैं, दलिया लेने में ज़्यादा आसानी रहेगी। हर एक को दलिया नहीं मिलता है, इसीलिए मैं गेहूँ से बनाना बता रही हूँ। तो चलिए इसे हमने भिगो दिया, ये भीगने के बाद कुछ इस तरह फूल गए हैं। उसके बाद इसे आप प्रेशर कुकर में डालिए सुबह में, या उसे भिगाने के बाद हमने इसे प्रेशर कुकर में डालना है। फिर 8 कप पानी इसमें डाल देंगे हम, 8 कप पानी हमने इसमें डाल दिया। फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और फिर इसे 5 से 6 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर और 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर इसे पका लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 टेबल स्पून हमने दाल ली है, यानी माश की दाल ली है, और 2 टेबल स्पून हमने चना दाल ली है। इन दोनों दालों को हमने धो लेना है। धोने के बाद आप इसे प्रेशर कुकर में डालिए और फिर आप इसमें पानी डाल दीजिए। यहाँ हम इसमें 3 कप पानी इसमें डाल देंगे। 3 कप पानी, 1 टीस्पून तेल डाल दीजिए और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और फिर इन दालों को भी अच्छी तरह से नर्म होने तक गला लीजिए। ठीक है, अब दालें और गेहूँ दोनों भी गल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 किलो बकरे का गोश्त है। पिस्ता हाउस की जो हरीस बनती है वो स्पेशली बकरे के गोश्त से बनती है। बकरे के गोश्त के बड़े बड़े पीसेस लीजिए। आप जितने बड़े पीसेस लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और हलीम या हरीस बहुत ही रेशेदार बनेगी। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से साफ धो लीजिए। धोने के बाद आप इसे प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून खुशबूदार बासमती चावल हैं, इन्हें आप धोकर रख लीजिए। अब हम गोश्त में 20 हरी मिर्चें डाल देंगे, 1 कप हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया के मैंने नरम नरम काड़ियाँ भी ली हैं, याद रखिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 2 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट। एक टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 1/2 कप तली हुई प्याज डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर अब हम धोए हुए खुशबूदार बासमती चावल ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून नमक डालिए या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए और 2 टेबल स्पून पुदीना डाल दीजिए। 1 कप पानी डालिए गोश्त गलने के लिए और 1/2 कप देसी घी डाल दीजिए। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए और उसके बाद प्रेशर कुकर लगाकर इसे गलने के लिए रख दीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से गलाइए 4 से 5 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर। फिर 20-25 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाइए ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। देखिए पिस्ता हाउस में तो हलीम जो है देगों में बनती है, लेकिन घर पर आसानी से बने इसीलिए मैं यहाँ प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। देखिए यहाँ मसाले में हम लेंगे 1/2 पॉट जावित्री का, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया, 2 इंच की दालचीनी मिंस हलमी और 6 से 8 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 10 हरी इलायची, 1 टीस्पून कबाब चीनी और 1 टीस्पून शाहजीरा और 1/2 टीस्पून जीरा। इन सभी को मिलाकर हम बारीक पीस लेंगे ताकि ये हरीस का मसाला बन जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास पिस्ता और बादाम है, 15-20 बादाम हैं और 15 पिस्ते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम पाउडर बना लेंगे, यानी पीस लेंगे। ठीक है, अब देखिए दालें अच्छी तरह से गल गई हैं। दालें गलने के बाद हमने प्रेशर कुकर खोला, दालें अच्छी तरह से गल गई हैं और गेहूं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, गेहूं को बारीक पीस लेना है। बहुत बारीक ना पीसिए, बस दरदरा सा पीस लीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। मैंने प्रेशर कुकर खोला, अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब हाई फ्लेम पर इसे पकाना शुरू कीजिए। गलने के बाद भी हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। जो मसाला मैंने बताया था अभी, वही मसाला पिसा हुआ इसमें डाल दीजिए हरीस का। उसके बाद बादाम और पिस्ते का पाउडर डालिए और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे पकाइए। ठीक है, हमें इन मसालों के साथ गोश्त को अच्छी तरह से पका लेना है।
थोड़ा सा पानी डालिए ताकि थोड़ा इसमें खोरमा बन जाए। इसे तेज़ आंच पर पकाइए। देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल गया है, बिल्कुल रेशा रेशा अलग हो रहा है, देखा आपने। बस हमें चम्मच से ही अगर हम हिलाएंगे तो ये बहुत बारीक हो जाएगा। लकड़ी के चम्मच से इसे इस तरह से हिलाइए ताकि गोश्त बारीक हो जाए। अब ये मसाले बहुत अच्छी तरह से पक रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम दाल को इस तरह से मैश करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक छन्नी ली, उसमें दाल डाल दी, उसके बाद हम लकड़ी के चम्मच से इसे प्रेस कर रहे हैं ताकि ये आसानी से निकल जाए, ठीक है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। तो हमने ये बहुत ही आसानी से दाल को मैश कर लिया है, हो गया दाल का काम। अब हमने क्या करना है, इसमें ये खोरमा डाल देना है, जो गोश्त का खोरमा हमने बनाया था वो खोरमा डाल दीजिए, लेकिन इसमें से हड्डियाँ सेपरेट कीजिए। हड्डियों को एक बोल में डालिए और साथ ही उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि हड्डियों पर जो चिपका हुआ मसाला है वो भी हम इस हरी इसमें यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हमने इसमें से हड्डियाँ सारी सेपरेट कर ली हैं। अब हम इसे एक तरफ करते हैं और ये पिसे हुए गेहूँ इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो दलिये को भी इसी तरह से उबाल कर थोड़ा सा घोट कर डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें गुलाब की पत्तियां डाल दी और इसमें हम आधा कप विनेगर डाल देंगे। आधा कप विनेगर मीन्स सिरका हमने इसमें डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमने एक मुट्ठी गुलाब की पत्तियाँ डाली थी, करीब आधा कप, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब जो हड्डियाँ वगैरह मैंने धोई थी खोरमे के साथ, तो वो पानी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और फिर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसे हम पकाना शुरू करेंगे। तो हम इसे पका रहे हैं अभी हाई फ्लेम पर और इसे कंटिन्यू हिलाते रहिए। हमें इसे इतना पकाना है पकाते कि वो बिल्कुल इस तरह एक लेसदार बन जाए। और पकाते वक्त हमें इस तरह से दाल घोटनी से या लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहना है, चम्मच इसमें मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लेसदार बनाए आ जाए, समझ गए आप। जब ये अच्छी पकते वक्त हम अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा तली हुई प्याज का तेल लेंगे और उसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और फिर इसे मिक्स करके हम इस हरीस में डाल देंगे। इससे हरीस का कलर बहुत अच्छा आएगा। फिर उसके बाद आप इसमें आखिर में डालिए थोड़ा सा दूध। ये 300 ml दूध हमने इसमें डाला। दूध डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए अब हमारा ये हरीस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने क्या करना है, एक दूसरी कढ़ाई में आधा कप घी लेना है, देसी घी लेना है, और आधा कप तली हुई प्याज का तेल लेना है। दोनों को मिक्स करना है, थोड़ा सा गर्म करना है। अब ये ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान को थोड़ा सा बारीक पीस लीजिए और इसे पानी में मिक्स करके इस तेल और घी वाले मिक्सचर में मिला दीजिए, ठीक है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने का तरीका देखिए, सबसे पहले हमने एक डिश में ये हरीस डालना है, पकी हुई हरीस डालिए। फिर उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं दूसरी चीज़ें जो इसके फ्लेवर को बढ़ाएं, ठीक है। तो हम इसमें डालेंगे ये तेल जिसमें जो कि ज़ाफ़रान की खुशबू वाला है और साथ ही इसमें देसी घी भी है। देसी घी, ज़ाफ़रान की खुशबू और तली हुई प्याज की खुशबू, बहुत ही शानदार लगेगा ये। और फिर उसके ऊपर तली हुई प्याज डालिए और नींबू डाल दीजिए, नींबू रखिए। और साथ ही हम इस पर तले हुए काजू और बादाम डाल देंगे। आप चाहें तो पिस्ते भी डाल सकते हैं। और फिर हरा धनिया डाल दीजिए, अदरक के जूलियंस डालिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो ये टेस्ट में भी बहुत ही शानदार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि इसमें फ्लेवर्स ही फ्लेवर हैं, समझ गए ना आप। और इंशाल्लाह मैं आपको और भी ऐसे कुछ नए टाइप के हरीस बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो देखिए रेसिपी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ़ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। इस हरीस को ज़रूर ट्राई कीजिए, इस ईद पर ट्राई कीजिए, कभी भी ट्राई कीजिए, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत शानदार है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।